आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन करबला में भूखे प्यासे लड़ रहे थे। वो तन्हा हक के लिए लड़ने जा रहे थे, अल्लाह की रजा पर राजी थे। ऐसी चीज पहले कभी भी तारीख ने नहीं देखी थी कि किसी नबी के घराने को सिर्फ 50 साल के अंदर उसकी उम्मत शहीद कर दे, वो भी कलमे के नाम पर। किसी में इतना जज्बा तो नहीं था कि वो अकेले इमाम हुसैन का सामना कर सके, क्योंकि सबको पता है कि वो किसकी औलाद है। इसीलिए उन्होंने ऐसा मौका ढूंढा जब इमाम हुसैन तलवार लहराते हुए मैदान जंग में आए तो दुश्मनों के पसीने छूट गए। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इमाम हुसैन का मुकाबला किया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि नमाज का वक्त शुरू हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान में ही नमाज पढ़ने का फैसला ले लिया और यजीदियों को मौका मिल गया और इसी मौके का फायदा उठाकर यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन सजदे में थे जब उन्हें शहीद किया गया और आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। इससे बड़ी बात यजीद के लिए क्या होगी कि करबला के बाद किसी भी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। दूसरी तरफ आज भी ये नाम हुसैन हमारे सीनों में बसता है।